इस भैन का चेहरा जिहड़ा तुसीं अपनी स्क्रीन ते देखिया लैके आए हैं, ये अपना नाम नताशा दसदी सी भैन, ममदोट शहर तो फिरोजपुर तो अगे ममदोट शहर आ, उत्थों मिली सी भैन सानू, बॉर्डर एरिया बिल्कुल, उत्थे पंजाब पुलिस दे कुछ मुलाजम वीर आ जिहड़े सानू वीडियो भेज रहे सी। एक भैन ने फोन करके दस्सिया भी एक कुड़ी नौजवान आ, पढ़ी लिखी लगती है, भी मैंटली अपसैट आ, कल्ली गल्लां करदी आ, उन्हें उत्थे पुलिस वालों नू सद्दिया, पुलिस वालों ने अपनी जिम्मेवारी समझी, इहनू थाने लिजा के दी आले दुआले वायरलैस करा के पैरवाई की, घर लभण दी पर घर नहीं पता लग सके, दस नहीं सी रही अपना एड्रैस, इहनू जमा ही नहीं सी पता, नाम भी बदल के दस रही सी। फिर उस भैन ने जिन्हें इनफॉर्मेशन दी सी, चार पाँच दिन उन्हें अपने घर रखे भैन नू, पर जदों फिर भी घर ना लभ्या, फिर उन्होंने साडी टीम नाल संपर्क किया, गुरध्यान सिंह राणे वीर ने साडे नाल संपर्क किया, इहनू सब तो पहला इनफॉर्मेशन मिली तो इन्हें वीर ने साडे नाल संपर्क करके दस्सिया भी एक भैन आ, नौजवान कुड़ी आ, भी उत्थे चार पाँच दिनों तो उन्होंने रखे पर उहदा घर नहीं मिल सकिया। तो राणे वीर नाल जदों साडा संपर्क होया, असीं भी दो तीन दिनों तो बीजी सी, कल भी असीं हरजिंदर सिंह वीर दे भोग ते गए सी तरन तारण साहब, तो असीं हरजिंदर नूं अपने गुरध्यान वीर नूं कहा भी तुसीं ऐं करो, भैन नूं लै आओ, तुसीं सराबे आश्रम आ साडे इत्थे फीमेल आश्रम गुरु अमरदास महाराज जी नाँ ते, भी तुसीं उत्थे छड्डे आओ तो आप वीडियो शेयर कर दें जे घर लभ गया, क्योंकि साढ़े को इस टाइम एक भी मंजा लगन लोग जोगी जगह है नहीं अंदर। हुण जिहड़ियां पिछले तीन चार केस साढ़े को आए ने, चाहे खुशबू भैन आ, चाहे गुड़िया भैन आ, चाहे जगदीप भैन नूं लैके आए हैं, ये सारिया भैनों नूं रखण लई जिवें माता बेनड़े तो लैके आए हैं बलविंदर कौर, फिर इदा ही राजपुरे तो लैके आए मा भैन बिमला नूं लैके आए हैं, राणी माता जिहड़े 9 लख अपने पंज कल्याणे पिंड तो लैके आए बठिंडे, जिहदे ब्रेस्ट दे विच कीड़े पए सी माता दे, जगदीप भैन नूं लैके आए शिमलापुरी तो जिहदे 4-5 सालां दी टॉयलेट कमरे जी पई सी, फिर साडे कोल गगन भैन आ मलूके तो जिहड़ी 15 साल तो बन्नी हुई सी भैन, यानी कि सारे केस जिहड़े साडे कोल लेटेस्ट पिछले 4-5 महीनिआं 'च आए ने, उन्हां वास्ते साडे कोल मंजा लाउण नूं भी अंदर जगह नहीं। चार मातावां साडियां हस्पताल 'च रखियां पिछले 1-1.5 महीने तो लग पर्दा ला के, भी चलो किसी तरीके कोई घर लभ जांदा, जिवें पिछे जे खुशबू का घर लभ गया भी वह लैन आ जाएंगे, गुड़िया का घर लभ जू उन्हू भेज देंगे, पर गुड़िया का घर दसना नहीं चाहती, वो जाना नहीं चाहती, खुशबू का घर लभ गया वो घर दे लैके नहीं जाना चाहते, जगदीप के घर दे असीं जगदीप भैन नूं लैके आए, सॉरी रणजीत भैन नूं जिहड़ी कमरे च बंद सी लुधियाने शिमलापुरी तो, उन्होंने उन्होंने परिवार नाल असीं गल की भी तुसीं कोले रहो 2 महीने भी आपां ट्रीटमेंट करा देंगे ठीक हो जूगी भैन, थोड़े दिन वो हसबेंड रहे, एक दिन वह बेटा रहा को जवान बेटा, उस तो बाद कहें असं तो रह नहीं सकते चले गए, मुड़ के साडा फोन भी नहीं चक रहे, वो भी भैन इतने साढ़े को भी केयर करनी पैंती है। इस तरह ही फिर जो इस भैन बारे सानू गुरध्यान सिंह ने दसिया, असं इन्हें दसिया भी वीरे अपने कोल तां हुण हस्पताल 'च भी बैड है नहीं जिथे आपां भैन नूं रख सकीए, नाले उपरों एक नौजवान कुड़ी आ है ना, तो फिर गुरध्यान वीरे नाल गल करके असीं उत्थे भेजता इहनूं सराबे गुरु राम अरदास महाराज जी दे आश्रम दे विच, असीं इहनां दी वीडियो शेयर की कल, तो वीडियो शेयर करन तो बाद सानू कॉल आउण लग गए, घर पता लग गया भी इह परिवार आ जिहड़ा फिरोजपुर शहर दे विच रहिंदा, चंगा परिवार आ, असीं परिवार का नाम नहीं लैना चाहते किसी का भी, इन्हां दे फादर साहब भी दिमागी ठीक नहीं सी, मैंटली उन्हां दी भी डैथ हो गई सी, उन्होंने अपने सिर दे विच तेल पा के अग ला ली सी, फिर इन्हां दे मम्मी भी अनीता माता जी लैण आए ने अज राणा रात, इन्हां दे घर गया सी वीर साडा, इन्हां दा परिवार दा घर दा पता लग गया सीगा, राणे वीर ने घर जाके इहदे मदर नाल गल की, इन्हां दे ब्रदर नाल भी गल की, ब्रदर भी बेचारा बहुत परेशानी दे विच आ, क्योंकि जिहदे घर दे विच फादर की डैथ हो गई इन्हां प्रॉब्लमां करके ही, मदर भी ठीक नहीं प्रॉपर ते सिस्टर भी ठीक नहीं, GNM की हुई है इस भैन ने, पढ़ाई लिखाई दे विच असीं तुहानूं दिखाउणा चाहुंदे आ, आ देखो ये भैन ने सिल्वर ऑक्स कॉलेज दे विच नर्सिंग अभीपुर मोहाली, इन्हें भैन ने 2013 तो 2017 तक उत्थे GNM का कोर्स किया, फस्ट डिवीजन पास हुई 2016 दे विच भैन, आ तुसीं ध्यान नाल देखो फस्ट डिवीजन दे विच, नताशा भैन का नाम नताशा बेदी, तो यह भी यदा भैन का रजिस्टर सर्टिफिकेट आ जी, इन्हें उत्थे जॉब करन तो बाद दे विच उत्थे अपनी प्रैक्टिस की आदी, प्लस टू की सीनियर सैकेंडरी 12वीं क्लास का यदि मार्कशीट आ जिदे चंगे नंबर लैके पास हुई हुई है भैन, यानी कि बड़ा इंटैलीजेंट कुड़ी आ, नर्सिंग की हुई है, इन्हें GNM की हुई आ, पर जिंदगी दे विच कई बार इदां दे हालात पैदा हो जाते हैं भी चाह के भी पढ़ाई लिखाई कम नहीं आती, फिर बच्ची पढ़ लिख के चंडीगढ़ कॉलेज दे विच उत्थे मोहाली रह के उत्थे ही होस्टल दे विच रह के पढ़ी है भैन, उत्थे ही 4 साल इन्हें रह के एक कोर्स पूरा किया, पढ़ के जो वापस घर आई ये मम्मी थोड़े ठीक नहीं सी, डैडी बीमार रहिंदे सीगे,
वह भी ठीक नहीं सी, उन्हां दी डैथ हो गई, बच्ची ने अपने डैडी नूं अख अपनी अखां दे सामने वो सारा कुछ करदिआं देखिआ तां इहदे ब्रेन ते भी असर पैणा शुरू हो गया, तां इह भी मैंटली अपसैट हो गई। हुण इह भैण अज तों 15-16 दिन पहलां घरों चले गई, 15-16 दिनां तों इदां ही सड़कां ते घुम रहे सी, किते किथे ते उस अकाल पुरख वाहिगुरू ने कृपा की, साडी ड्यूटी लाई गुरध्यान सिंह राणे होना वीर होना ने अपनी जिम्मेवारी समझी। वह मुलाजम वीर की नाम सी उहनां दा, लखविंदर सिंह बाई, जिन्हें अपनी जिम्मेवारी निभाई, जिन्हें सानू वीडियो भेजियां, वो भैन जी दे घरे सी, इह उहनां दा पता कितने फिरोज ममदोड़ दे सीगे, उन्हां दा नाम नहीं सानू चेता, उन्होंने घरे रख्या, उन्होंने मनियारी की दुकान है भैन की, उन्हें अपने घरे रख्या ना भैन नू, ते अज इन्हां दा परिवार मिल गया सी, भैन की मैडिसिन शुरू करा के इन्हां नू वापस इन्हां दे घर भेज रहे हैं। माता अनीता जी लैन आए ने, नाल इन्हां दा ब्रदर भी आया, पर असीं वो वीर नू सामने नहीं करना चाहुंदे, वो वीर कहिंदा सी भी मैं इस वीडियो दे विच नहीं आना चाहुंदा, क्योंकि देखो वो बच्चे का भी फ्यूचर आ, उन्हें जॉब करनी है, अगे मैरिज करवानी है, जां होर परिवार दीयां भी मजबूरियां हुंदियां, असीं माड़ा नहीं कहिंदे। असीं संगत नूं भी बेनती करदे हां भी कोई भी वीर इस गल दे विच कमेंट दे विच जां कोई गलत गल ना सोचे, सिर्फ तो सिर्फ परिवार की तकलीफ नूं समझो। डैडी दी भी डैथ हो गई इस करके मैंटली अपसैट सी, मम्मी भी ठीक नहीं, खुद भैन भी इस टाइम नताशा भी इन्हां हालातों चों निकल रही है। नताशा भैणे तो जदों घरों आई सी बा कित्थे चली सी तू, घर 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 का तो छड्ड के आ गई? पढ़ लिख के कोर्स कर लिया, हुण तू GNM दा कोर्स कीता, किसी हॉस्पिटल च जॉब नहीं करनी तू? एप्लीकेशन फॉर जॉब लिख दंगी मैं, लिख देंगी करेंगी फिर जे तैनूं मिल जावे जॉब? दो लाइनां दी एप्लीकेशन हुंदी, लिख देनी है ठीक है, पेपर देईए तैनूं, लिख देंगी एप्लीकेशन, पेपर पेन लिया के दियो काका। ते इक नताशा हुण तू घरे रह के अपनी मम्मी दी सेवा नहीं करनीगी? मम्मी बीमार रहिंदे ने, आखे लगेंगी मम्मी दे, असीं तैनूं दवाई दे दईए जे तू दवाई खाएंगी, पक्का प्रोमिस ब्रदर ने अपने ना प्रॉमिस कर लगी तू अपने भरा ना, असं तेन दवाई देवे लैके डॉक्टर तो, तू मेडिसन एप्लीकेशन लिख दे, इतने का लिखेंगे एप्लीकेशन, मैं जॉब दिती जाए एडिटर ट्रिब्यून। पता नहीं साडा समाज किस कदर उलझदा जा रहा, साडे बच्चियां दे दिमाग दे ताने बाने उलझदे जा रहे आ, इन्ने इंटेलीजेंट बच्चे, इन्ने पढ़े लिखे बच्चे किदां डिप्रैशन का शिकार हो रहे हैं। साडियां सरकारां दा ध्यान ही नहीं इस पासे नूं, साडे सिस्टम का कोई ध्यान नहीं है इस पासे नूं। जदों इदां दी हालत दे विच कोई फस जांदा तां परिवार दे मैंबर भी सब पिछे हट जांदे ने, तां फिर उह कल्ला इक परिवार जिहदे विच उहदे मदर जां उहदा ब्रदर आ घर च, डैडी दी डैथ हो चुकी आ, उह किन्ना क कुछ कर सकदे ने, वो किन्नी क मदद कर सकते हैं, वो किदा नताशा नूं कंट्रोल कर सकते हैं। फिर ज़्यादातर लोग गगन भैन वांगू, जिवें भैन गगन बन्नी हुई सी संगल नाल घर च, वो भी ऐं घरों भज जांदी सी, सड़कां ते चले जांदी, खेतां चले जांदी सी, लोकां दी मोटरां ते चले जांदी सी,
इज्जत नाल सी परिवार की, परिवार ने अपनी इज्जत को बचाने के खातर उन्हें संगल ना बनता। 15 साल वो संगल ना बनी रखी, कपड़े भी नहीं सी पाउंदी शरीर से, टोआ पट के जमीन के बच्चे जिमें मिट्टी का घोरना पट के वो बैठी रही, गंद चक चक खाई जाती सी। अज भैन नू लैके आए हैं, शायद वह कदे भी हुण दोबारा नॉर्मल ना हो सके। जे वो अज तो 15 साल पहले जो उन्हें बन्नया गया सी, उस टाइम कोशिशां कीतियां जांदियां तां बिल्कुल ठीक हो सकती सी। तो इस तरह ही नताशा वास्ते भी जे अज कोशिशां कीतियां जाण, क्योंकि इन्हें 2019 दे विच नर्सिंग दा फस्ट डिवीजन दे विच नर्सिंग पास की है, 2016 दे विच इन्हें फस्ट डिवीजन लई है, 16 अक्टूबर 2019 दे विच इन्हूं भैण नूं जिहड़ी इह सर्टिफिकेशन मिली है इन्हें पास किया है। तो अज का चेहरा तो उस टाइम का चेहरा जिहड़ा जे तुसीं देखो नताशा दा सुक के, क्योंकि सड़कां ते रोटी पानी नहीं मिलता प्रोपर, की खाना की पहनना, समाज साडा किद्दां दा, सोच साडी किद्दां दी आ, साढ़े हर रोज़ साढ़े आस पास किद्दां दे हालात पैदा होंदे ने, ये असीं भली भांत सारे जाणदे आ। पर अज इस पढ़ी लिखी हुई नताशा डेट ऑफ बर्थ इहदी हैगी है 22/11/1995 आ। तुसीं देखो किन्नी छोटी उम्र आ हजे, ते अज ये 25-26 साल की उम्र के भैन किहड़े हालातों के पई हुई है। इन्हें एक एप्लीकेशन लिखी है, हुण एप्लीकेशन फॉर जॉब्स 631 कलोनी चंडीगढ़ फिरोजपुर सिटी टू एडिटर टू ट्रिब्यून्स विद आ की लिखे भैने ड्यू रिस्पैक्ट आई एम ग्रेजुएट इन फर्स्ट डिवीजन एग्जामिनेशन आई 90% डिवीजन मार्क्स सो आई गिविंग परमिशन फॉर जॉब्स फी 40,000 रुपीज घट्टो घट कहिंदी इतनी मेरी पे होनी चाहिए आ। थैंक्स फॉर भैन ने लिखा हुआ अपना ना एक होर लिख दे उदी राइटिंग किन्नी सोहनी है, उदा इंग्लिश लिखण दा फ्लो किन्ना तेज आ, किन्ना वधिया इंटैलीजेंसी किन्नी आ उहदे विच, है ना, किन्ना ज़्यादा दिमाग आ। पर प्रॉब्लम कित्थे आ, प्रॉब्लम इत्थे आ भी जदों इह भैन थोड़ा जिहा अपनी जिंदगी च फिसल गई, थोड़ा जिहा अपनी जिंदगी डगमगा गई, उस टाइम मैनू सहारा नहीं मिले प्रॉपर। उस टाइम इलाज तो दिता रहे घरद्या ने, दवाइया बहुत दवाइया, ये भरा ने बेचारे ने जॉब तक छड़ती, आपकी वधिया जॉब करता सी मोबाइल कंपनी के ऑटोमोबाइल च, पर अपनी परिवार को संभालने खातर अज वो सारा कुछ कर रहा, पर उदे भी कंट्रोल तो बाहर आ सारा कुछ। पर अज असी कोशिश करांगे इस परिवार के नाल खड़न की, इस परिवार का साथ देने की। माता जी हुणी ਵੀਰੇ ਹੁਣੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਤਾਸ਼ਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਜੂ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਜੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਨਤਾਸ਼ਾ ਭੈਣ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਰਾਣੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਖਵੀਰ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਬੂਰ ਪਵੇ, ਇਹ ਭੈਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਚੰਗੀ ਜੋਬ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੋਬ ਦਵਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਜੋਬ ਚੰਗੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋਬ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹਜੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਏ ਜਾਣ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, OPD ਬੇਸ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਭੈਣ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇ ਚੰਗਾ। ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਆ ਨਤਾਸ਼ਾ ਭੈਣੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਜੋਬ ਦਵਾ ਦਈਏ, ਕਿਤੇ ਕਰੇਂਗੀ ਜੋਬ?
माता जी ये घरे भी इदा ही करती थी पहला किन्ने के टाइम तो इन प्रॉब्लम आई मां कुछ इदा दे हालात परिवार च चलो असि उस चीज दे विच ज्यादा डीप नहीं जाना चाहते पर असि यही चाहते हैं जो पास्ट च की होया उहनूं असि गल नहीं करते असि फ्यूचर की जां प्रेजेंट की गल करांगे अज ते प्लीज प्रेजेंट यह कहिंदा आपां सारे अरदास करिए इस भैण वास्ते फ्यूचर वो वाहेगुरू ने बनाउणा उस अल्लाह ने उस राम ने उस भगवान ने बनाउणा।